सब्सक्राइब कीजिए मीडिया क्रिएशन स्टूडियो को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट गणेश और आप देख रहे हैं मीडिया क्रिएशन स्टूडियो। नमस्कार दोस्तों, प्रीमियर प्रो सेशन में आपका स्वागत है और आज के इस सेशन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एडोबी प्रीमियर प्रो सीसी 2018 के अपडेट्स के बारे में। इस अपडेट को 2017 के अक्टूबर में अपडेट किया गया था और वही अपडेट मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, पहले जो होता था, हम लोग एक प्रोजेक्ट में मल्टी प्रोजेक्ट ओपन नहीं कर पाते थे। एक प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करके काम करना है तो एक प्रोजेक्ट को क्लोज करके हमें दूसरा प्रोजेक्ट ओपन करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब हम एक प्रोजेक्ट में दूसरा प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मल्टी प्रोजेक्ट ओपन। और मल्टी प्रोजेक्ट आने से हमारे वर्क फ्लो में इतना इजी हुआ है, जो कि हम लोग एक दूसरे प्रोजेक्ट में से कोई भी इफेक्ट क्लिप हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फिर एडिट कर सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है। और दूसरा अपडेट जो है वो है शेयर प्रोजेक्ट या फिर कह सकते हैं लॉक प्रोजेक्ट। आप किसी को इस प्रोजेक्ट को शेयर करते हैं लॉक करके, तो वो सिर्फ देख पाएगा, इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा या फिर आपका एडिट किया हुआ क्लिप कोई भी डिलीट नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल है मैं वहाँ पे सेलेक्ट किया और एक फाइल को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ पे सब कुछ एनेबल देख रहे हैं, सब कुछ हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैंने लॉक पे क्लिक किया और इसको मैंने सेव किया तो ये टोटली कंप्लीट डिसेबल्ड हो गया। यहाँ पे हम लोग कुछ भी एडिट नहीं कर सकते या फिर कुछ भी स्केल पोजिशन रोटेशन कुछ भी हम लोग यहाँ पे चेंजेस नहीं कर सकते और नीचे में ये रेड बटन शो हो जाएगा। और तीसरा है एसेंशियल ग्राफिक्स पैनल में रिस्पॉन्सिव डिजाइन टूल। ये टूल को इस बार ऐड किया गया है जिससे हम एक दूसरे के साथ लिंक कर सकते हैं या फिर पिन कर सकते हैं। पिन क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट लिया, एडिट में गया और यहाँ पे तीन फाइल शो कर रहा है, टेक्स्ट फ्रेम टेक्स्ट, ये तीन फाइल है। तो जैसे ही मैंने डिलीट किया तो मेरा फ्रेम जो है वो भी एक साथ मर्ज हो गया, वो एक साथ एडजस्ट हो रहा है। तो ये कैसे किया जाता है इस टूल के थ्रू से, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो ये नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को फ्रेम के साथ पिन करने के लिए हमें एक दूसरे को लिंक करना होगा, यानी कि पिन करना होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट को मैं वीडियो फ्रेम पर रखूंगा, यानी कि वीडियो फ्रेम में मेरा कुछ नहीं है तो ये कुछ नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा। और फ्रेम को टेक्स्ट के साथ पिन टू टेक्स्ट करना होगा। तो ये जो ब्लू कलर का जो बॉर्डर है, यानी कि गार्ड जो किया हुआ है, इसका मतलब ये पिन हो गया है। और टेक्स्ट को टेक्स्ट पे क्लिक करके मैं यहाँ पे टाइप करूँगा तो वीडियो फ्रेम जो है, जो ब्लॉक जो है, वो एक साथ स्ट्रेच होगा। इसका मतलब ये मेरा काम कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टूल। और चौथा अपडेट जो है वो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन टाइम टूल। यहाँ पे जो टेम्पलेट पे मैंने काम किया है, जिसे मैंने डिज़ाइन किया है, उसको हम इंट्रो ड्यूरेशन और आउट्रो ड्यूरेशन से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इफेक्ट कंट्रोल पैनल में यहाँ पे मेरा बहुत सारा की फ्रेम है जिसे मैंने एनिमेट किया है और इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। तो मैंने जस्ट क्लिप को ट्रिम किया तो ये कट हो गया और ऐसा मुझे नहीं चाहिए। तो इसको मैं फुल फ्रेम कर रहा हूँ, ये मेरा टोटल की फ्रेम डाला हुआ है। और यहाँ पे एक नीला रंग का जो की है उसको मैं जस्ट कंट्रोल कर दिया, यानी कि इंट्रो ड्यूरेशन और आउटर ड्यूरेशन यहाँ पे हो गया। और जैसे ही मैं इसको ट्रिम करूंगा तो वैसे ही एनिमेट होगा, जो मैंने की फ्रेम डाला है वो सेम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन टाइम टूल। और क्रेडिट रोल पैनल को भी यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो प्री रोल और पोस्ट रोल से हम लोग ड्यूरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर एंड ऑफ स्क्रीन को बंद कर देने के बाद भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पांचवा अपडेट है वो है फॉन्ट अपडेट। हम टेम्पलेट पे जो फॉन्ट यूज करते हैं उसे हम जो रेगुलर यूज करना है तो उसे हम स्टार मार्क देके हम रख सकते हैं। और जैसे ही हम स्टार मार्क पे क्लिक करेंगे तो वो मेरा फेवरेट फॉन्ट यहाँ पे शो करेगा और हम इजिली उसको यूज कर सकते हैं। और छठवां अपडेट है मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एडोबी स्टॉक पे और वहाँ पे हम अपना टेम्पलेट को सेल कर सकते हैं। और सात नंबर पे जो अपडेट है, मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट अगर हम आफ्टर इफेक्ट पे बनाते हैं तो उसको हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं मोशन ग्राफिक्स टेम्पलेट फॉर्मेट में, यानी कि मॉगट फॉर्मेट में हम लोग उसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं प्रीमियर प्रो पे, और उसके लिए आफ्टर इफेक्ट इंस्टॉलेशन होना जरूरी नहीं है। और आठवां अपडेट है लेवल कलर। जो शॉट पे आपको मार्क करना है वो लॉन्ग शॉट है, क्लोज शॉट है या फिर मिड शॉट है या फिर आपका अल्टरनेटिव शॉट है, उसको आप मार्क करना चाहते हैं तो लेवल कलर से आप कलर चेंज करके उसको मार्क कर सकते हैं। और लास्ट अपडेट है इमर्सिव वीडियो एडिट, यानी कि 360 वीडियो में आप टाइटल इफेक्ट ट्रांजिशन आप सब कुछ इसमें कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, पहले 2017 में आपको
एम्बोसोनिक साउंड इसमें अपडेट किया गया था, और इस बार ये सब अपडेट किया गया है जिससे हम लोग टाइटल लिख सकते हैं, ट्रांजिशन दे सकते हैं, आप इसमें सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं वीडियो इफेक्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर इमर्सिव वीडियो है इस पर मैंने क्लिक किया और सिलेक्ट, और यहाँ से मैं इफेक्ट को सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करके ड्रॉप किया। तो यहाँ पे लिख रहा है जीपीयू एक्सेलरेशन नॉट वर्किंग, तो जीपीयू एक्सेलरेशन मेरा काम नहीं कर रहा है। तो मैं जनरल पे गया और यहाँ से मैं जीपीयू को ऑन करूँगा, यानी कि जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है उसका स्विच मैंने ऑन कर दिया, तो ये प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। दोस्तों इसका मतलब है कि अगर आप 360 वीडियो को एडिट करते हैं प्रीमियर प्रो पे, तो ग्राफिक्स कार्ड होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे ट्रांजिशन भी है जो आप सिर्फ 360 वीडियो पे ही ट्रांजिशन को यूज कर सकते हैं, दूसरा वीडियो पे आप यूज इसे नहीं कर सकते हैं। और 2018 का अपडेट सब कुछ इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिस्टम रिक्वायरमेंट के बारे में, प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करने के लिए सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या होना जरूरी है। और जाते जाते मैं आपको इतना ही कहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए इसी प्रकार और भी नए वीडियो बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।